डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ यूनिट टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यूनिट टेस्टिंग से रिलेटेड गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट टेस्टिंग, या जिसको हम टीयर वन टेस्टिंग भी बोल देते हैं, लेवल वन भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये वो टेस्टिंग है जो सबसे पहले की जाती है। मतलब सबसे पहले स्टेज पे आपकी जो टेस्टिंग होती है, दैट इज व्हाट अ यूनिट टेस्टिंग। तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि हमने बहुत तरीके से टेस्टिंग पढ़ी है कि हमारे पास यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये वो रिग्रेशन, लेकिन इनमें से सबसे पहली टेस्टिंग कौन सी की जाती है, दैट इज द यूनिट टेस्टिंग। दूसरा क्वेश्चन यहां पे आ जाता है कि करता कौन है। तो यहां पे इस लाइन को देखो जी, यूनिट टेस्टिंग इज डन बाय द डेवलपर्स। तो मतलब जो लोग डेवलप कर रहे हैं सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को, वही लोग इसको क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। और तीसरी चीज यहां पे आ जाती है, यूनिट का मतलब क्या है। यूनिट का मतलब होता है इंडिविजुअल पार्ट, मतलब आपके जो सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट, उनके हरेक पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। और ये कोशिश रहती है कि इंटीग्रेट करने से पहले ही टेस्ट किया जाए। मतलब कि अगर आपने सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया, बड़ा बना दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ कार। अब कार जब भी बनती है, जैसे जो भी यूनिट होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जब कार बनती है तो कार के अंदर बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं जो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। मतलब इंजन हो गया अलग बन रहा है, ब्रेकिंग सिस्टम अलग हो रहा है, फ्यूल सिस्टम अलग हो रहा है, इग्निशन सिस्टम अलग हो रहा है, लॉकिंग सिस्टम, बॉडी, ये सारे सिस्टम जो है वो अलग अलग डेवलप हो रहे हैं। अब अलग अलग डेवलप हो रहे हैं तो जब उनको असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसके बाद हम लोग अगर टेस्टिंग करें तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो इग्निशन वाला बोलेगा फ्यूल तेरी गलती है, फ्यूल वाला बोलेगा इंजन तेरी गलती है, मैंने तो ठीक काम किया। उस टाइम पे गलती को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करो, ये सारे जो यूनिट्स थे ये अपने लेवल पे एक बार टेस्ट कर लें अपनी चीजों को, और फिर उसके बाद क्या करें, असेंबल करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब असेंबल कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाइस ऑब्वियसली उनके बीच में भी कोई डिपेंडेंसीज है, उनके बीच में बहुत सारी कपलिंग कोहेजन होती है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में जो है वो डिपेंडेंसी की वजह से, वो फर्दर आपको अगेन बताऊंगा, लेकिन हां प्रॉब्लम तब भी आ सकती है। तो इसीलिए यूनिट टेस्टिंग की जो प्रॉब्लम है इसको हम अनडिसाइडेबल बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यूनिट टेस्टिंग अगर पास होगी तो मतलब इन फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये पॉइंट भी याद रखना। देन ये तो आपकी डेफिनेशन सिंपल ही है, यूनिट टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग small pieces of code ensure that individual part of the program work properly. वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई है, उसकी definition आ गई। Unit testing are used to test individual block or unit of a functionality. वही same चीज़ आपको बता दी। Procedural language है, तो पूरे एक procedure को हम लोग क्या बोलेंगे, unit बोलेंगे। अगर object oriented programming है, तो हर एक object को, जैसे class एक object है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक unit बोलेंगे। तो हर एक part को टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है बिफोर इट्स इंटीग्रेशन। तो हम उसके अंदर डेटा अप्लाई करके अलग अलग टेस्ट केसेस बना के उसको टेस्ट करेंगे, ताकि हम चेक कर सके कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, किस तरीके से आउटपुट दे रहा है। थैंक यू।